आरपी टेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आइए, नए वीक की शुरुआत हो चुकी है और एकदम तड़के वाली गर्मा गर्म खबरें आपके सामने हाजिर है। हमेशा की तरह काफी ज्यादा मेहनत करते हैं हम आप सबके लिए खबर चुन चुन के लाने में। थोड़ा सा आप भी आपका प्यार एंड सपोर्ट को दिखाते हुए, थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में आप जरूर से नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। बड़ा ही मजा आने वाला है, फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रियलमी से। रियलमी GT Neo 5 SE, ये जो स्मार्टफोन है वो टेना पर भी लिस्ट हो चुका है और साथ ही साथ गीग बैच पर भी लिस्ट हो चुका है, जहां पे थोड़ी बहुत स्पेक्स निकल के बाहर आई है, जहां पे कहा जा रहा है कि हमें इसमें 8GB रैम, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा और अनअनाउंस प्रोसेसर यूज किया जा रहा है इस बार, जिसका नाम है Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Youth Edition। जी हाँ, आप देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है वो कितना ही जल्दी किस कीमत पर और किस स्पेक्स के साथ हमें भारत में देखने को मिल जाएगा, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, Redmi की बात करते हैं, Redmi A2 सीरीज बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकती है भारत में। जी हाँ, Redmi A2, A2 Plus ये जो दोनों ही स्मार्टफोन है, इनको ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन रिसीव हो चुका है, यानी लॉन्चिंग काफी ज्यादा नजदीक है। अब देखते हैं कि क्या स्पेक्स होती है इन स्मार्टफोन्स में और किस कीमत पे लॉन्च किया जाता है भारत में, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, Qualcomm की बात करते हैं, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 ये जो चिपसेट है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले, मार्च 17 को ही, बगल में ही है। और ये जो चिपसेट है वो कहा जा रहा है कि अपर मिड रेंज की सबसे पावरफुल चिपसेट हो सकती है, जो कि 4nm पर बेस रहेगी और जिसमें हमें Adreno 725 GPU देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो चिपसेट है वो रियल लाइफ में कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के दे देती है, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, Qualcomm ने अनाउंस किया अभी 17 मार्च को Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 हम लॉन्च करने वाले, और ब्रांड्स पीछे पड़ गई कि भाई सबसे पहले कौन ये चिपसेट को लेके आएगा भारत में। तो Redmi एंड Realme दोनों ही कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि भाई हमारे स्मार्टफोन में ये चिपसेट देखने को मिल जाएगी। Realme की बात करते तो भाई Realme GT Neo 5 SE, जिसमें हमें ये चिपसेट देखने को मिलेगी, और Redmi की बात करते तो भाई Redmi Note 20 जो कि Poco X5 GT के नाम से इंडिया में आएगा, जिसमें हमें Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 चिपसेट देखने को मिल जाएगी। तो ये जो है ब्रांड्स करने वाली, और भी बहुत सारी ब्रांड्स आएगी जो कि यही चिपसेट के साथ स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी। अब देखते हैं कि कौन सी ब्रांड होती है जो कि कम कीमत में ये चिपसेट हमें प्रोवाइड करती है, वो भी बेहतरीन स्पेक्स के साथ, इस बात का इंतजार रहेगा। जी हाँ, गूगल की बात करते हैं, गूगल पिक्सल फोल्ड ये जो स्मार्टफोन है वो स्पॉट किया जा चुका है न्यूयॉर्क सबवे में। जी हाँ, जहाँ पे एक पर्सन के हाथ में एक स्मार्टफोन है जो कि पूरी तरीके से कवर किया जा चुका है, जिसमें हमें सिर्फ ब्लैक बेजल्स देखने को मिल रहे हैं, और ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि गूगल पिक्सल फोल्ड होगा, और ये पिक्चर से लग रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो लुक लाइक ओप्पो फाइंड N2 जैसा ही है। अब देखते हैं कि गूगल पिक्सल फोल्ड ये जो स्मार्टफोन है इसका अनाउंसमेंट कितना ही जल्दी होता है, इस बात का इंतजार है। जी हाँ, सैमसंग के जितने भी प्रोमिसेस होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। सैमसंग के दो नए स्मार्टफोन आने वाले हैं, सैमसंग गैलेक्सी A54, सैमसंग गैलेक्सी A34, जिसमें सैमसंग ने प्रॉमिस किया कि भी 4 साल तक आपको एंड्रॉइड का जो वर्जन होगा ना वो दिया जाएगा, और 5 साल तक की आपको सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफी बड़ी बात है और काफी अच्छा अनाउंसमेंट है सैमसंग की ओर से, और मेरे ख्याल से ऐसा हर एक ब्रांड को करना चाहिए, जिससे जो भी यूजर्स होगा वो स्मार्टफोन से बिल्कुल बोर नहीं होगा, चाहे 3 से 4 साल बीत क्यों ना गए हो। क्या कहना है आपका इस बात पर, नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। गेमिंग की बात करते तो एपिक स्टोर, सभी ने नाम सुना होगा, जहाँ पे हमें हर वीक 2 नई गेम फ्री में देखने को मिल जाती है, जो कि आप पूरी तरीके से डाउनलोड करके इसके खेल के मजे उठा सकते हो। और इस वीक की गेम की बात करें तो वॉरहैमर 14,000 ग्लेडियस, ये गेम काफी बेहतरीन है, एक स्ट्रेटेजी गेम है, और ये गेम खेल के आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, जिनको स्ट्रेटेजी गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है। तो ये गेम फिलहाल बिल्कुल फ्री में मिल रही है, डाउनलोड करके इसके खेल के इसके मजे उठाइए, और आप हमें ये बताइए कि भाई आपकी सबसे पसंदीदा एक स्ट्रेटेजी गेम कौन सी है, नीचे कमेंट में जरूर से बताइए। काम के दिल की बात करते हैं, अगर आपको चाहिए बहुत ही बेहतरीन पावर बैंक, वो भी कम कीमत में, वो भी बेहतरीन ब्रांड की, तो ये जो डील आपके लिए काम करने वाली। वैसे पावर बैंक काफी ज्यादा काम में आती है, जो ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं उन सभी के लिए, या फिर कभी कभार घर में लाइट्स वगैरह चली जाती है तभी भी काम आ जाती है। और ये जो पावर बैंक है वो अंब्राने की तरफ से आ रही है, जो कि 10,000 mAh की है, और वो भी आपको कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल जा रही है। और यही पावर बैंक की अगर कुछ स्पेक्स के बारे में बात की जाए,
तुम्हें टाइप सी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 20 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आपके एंड्रॉइड डिवाइस, आपके एप्पल डिवाइस या अदर कोई डिवाइस है, उन सभी को आप चार्ज कर सकते हो, या शायद लैपटॉप भी हो ही सकता है अदर डिवाइस इसमें, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और इसमें हमें मल्टी लेयर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होगा या ओवर हीट नहीं हो जाएगा पावर बैंक, तो ये काफी अच्छी बात है। लिथियम पॉलीमर बैटरीज का यूज किया गया है जो कि काफी ड्यूरेबल होती है, काफी लॉन्ग टाइम चल जाती है। और यही पावर बैंक की अगर कीमत की बात की जाए तो ये अभी आपको अमेज़न पर देखने को मिल जा रही है सिर्फ 899 रुपए में, तो काफी बेहतरीन डील है। अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस आज की टेक्निक यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर जरूर से नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।